हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे 16, 17 और 18 जुलाई के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के एंड में मैंने क्विज़ भी लाया है। क्विज़ करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे आपको पता चलेगा, सेल्फ असेसमेंट होगी, उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज कर लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये कब सेलिब्रेट किया? 11 जून को सेलिब्रेट किया। और इस पर इसका क्या थीम था? हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल। उसके बाद मलाला डे सेलिब्रेट किया। मलाला डे कब सेलिब्रेट किया? 12 जुलाई को। और हम ये मलाला डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं 12 जुलाई को? क्योंकि इस दिन मलाला यूसुफ का बर्थडे हुआ था। और ये कहाँ की हैं? तो ये मैं बता दूँ आपको, ये पाकिस्तान की हैं। और रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने ये बोला है कि जो मलाला यूसुफ है ये मोस्ट फेमस टीनेजर है, ठीक है। और नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया। और इस बार इसका थीम था स्किल फॉर रेजिलिएंट यूथ। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो झारखंड में है, रिसेंटली उसका नाम बदल दिया गया। और आपने बताना है कि उसका नाम किस पॉलिटिशियन के नाम से रखा गया। तो मैं आपको बता दूं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा गया। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? तो ये जनसंघ के फाउंडर हैं। और एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जम्मू एंड कश्मीर में जो चन्नानी टनल है उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा गया है। और कोलकाता पोर्ट है जिसने रिसेंटली 150 ईयर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। कोलकाता पोर्ट हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड 150 ईयर्स, और उसका नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा गया है, ठीक है। सेल्फ स्कैन ऐप डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? तो अगर आपको पहले कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते थे तो आप कैसे करते थे? कैम स्कैनर की हेल्प से। बट ये एक चाइनीज़ ऐप है कैम स्कैनर, और इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जो कैम स्कैनर का डाटा है वो कहाँ जाता है? चाइना में जाता है। इसलिए हम अपनी कोई स्वदेशी जो इंडिया में ही कोई ऐसी ऐप निकालते हैं जो कि हमारा डाटा को क्या रखेगी? सेफ रखेगी। तो ये ममता बनर्जी ने स्टार्ट किया है। तो ये ममता बनर्जी कहाँ की सीएम है? ये वेस्ट बंगाल की सीएम है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली प्रोचेस्टा नाम की स्कीम भी लॉन्च की थी, उत्कर्ष बांग्ला नाम की स्कीम भी लॉन्च की थी। और इनके कुछ ऐप्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सबुज साथी। और जो वेस्ट बंगाल है उसकी सीएम कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। भविष्य सेविंग, ये भविष्य सेविंग किस पेटीएम पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई, ये रिसेंटली पाया गया कि ये इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है, इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई। इससे पहले साउथर्न बर्ड विंग बटरफ्लाई थी जो तमिलनाडु में पाई जाती थी, ये सबसे बड़ी बटरफ्लाई थी। बट अब गोल्डन बटरविंग सबसे बड़ी बटरफ्लाई है, और ये उत्तराखंड में पाई जाती है, हिमालय में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम हिमालयन बटरफ्लाई भी है, ठीक है। इसका नाम हिमालयन बटरफ्लाई भी है और गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई भी है। इंडियन रेलवे ने बोला कि वो नेट ज़ीरो कार्बन अमिशन बन जाएंगे। ये उन्होंने कब तक टारगेट रखा है? तो ये उन्होंने 2030 तक टारगेट रखा है। देहिंग पटकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर आपने मेरा नेशनल पार्क्स वाला वीडियो देखा है तो मैंने आपको उसमें बताया कि कोई भी नेशनल पार्क कैसे बनता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाते हैं, ठीक है। और ये देखो, एक एग्जांपल आ गई आपके पास, देहिंग पटकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब एक नेशनल पार्क बना दिया जाएगा, ठीक है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज़ कर दी जाएंगी। तो ये आपको बताना है कि जो देहिंग पटकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है? तो ये असम में है। और मैं आपको ये बता दूं, असम में एक पोबा फॉरेस्ट भी है,
पबा फॉरेस्ट। पबा फॉरेस्ट का अपग्रेडेशन करके क्या इन्होंने बोला कि अब पबा फॉरेस्ट नहीं रहेगा, अब ये पबा क्या है बनेगा, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी। और देहिंग पट के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किस में किया है, नेशनल पार्क में इसको अपग्रेड किया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और देहिंग पट के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया है नेशनल पार्क में। ग्लोबल रियल स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, तो इंडिया का रैंक है 34, जो फर्स्ट रैंक है वो यूके का है, और यूके के प्रेसिडेंट कौन है, बोरिस जॉनसन, ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। मीजल्स और रूबेला फ्री, कौन से ऐसे दो देश हैं, कौन से ऐसी दो कंट्रीज हैं जो मीजल्स और रूबेला फ्री बन गई हैं। इन्होंने अपना टारगेट 2023 का सेट किया होता, लेकिन ये उससे पहले ही 2020 में ही बन गई हैं। तो ये बन है श्रीलंका एंड मालदीव्स। गूगल ने गूगल प्लस प्लेटफॉर्म दोबारा से लॉन्च, गूगल ने गूगल करंट के नाम से लॉन्च किया। रहेजा QBE को खरीद लिया गया 570 करोड़ में, तो ये आपको बताना है कि किसने खरीदा है, तो ये पेटीएम ने खरीदा है। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, और जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है वो क्या है, 197 कम्युनिकेशन। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई, ये रिसेंटली बुक लिखी गई है, तो आपको बताना है कि ये बुक किसने लिखी है, तो ये रूपा श्री कुमार एंड AK श्री कुमार ने लिखी है। सातीना दरवंसिस नाम की एक स्पीशीज़ रिसेंटली डिस्कवर हुई है कर्नाटका में, तो आपको बताना है कि ये स्पीशीज़ किसकी है, तो ये आपको इसमें दिख रहा होगा, ये लिजर्ड है, छिपकली। 5T इनिशिएटिव किस गवर्नमेंट का है, इसको दिल्ली वाले 5T से कंफ्यूज नहीं करना, जो दिल्ली में 5T था वो था कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। ये 5T किसके लिए है, ये 5T है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के लिए, तो ये ओडिशा का है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पेंडेमिक पूल बनाया है, ठीक है, इसकी ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बनाया है, किसने इस पेंडेमिक पूल को चेयर किया है, तो ये सुरेश माथुर जी ने किया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पोर्टल की हेल्प से जो स्किल्ड पीपल हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जॉब की, तो ये है असीम पोर्टल, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय एंड एम्प्लायर मैपिंग। तो मैं आपको बता दूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इनके मिनिस्टर कौन है, इनके मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे। यागी असीम की डेफिनेशन, मार्केट बोरोइंग में किस स्टेट ने टॉप किया, तो ये तमिलनाडु ने टॉप किया है, इसने सबसे ज़्यादा मार्केट से लोन तमिलनाडु स्टेट ने लिया हुआ है। एनवीडिया के साथ किस IIT ने कोलैबोरेशन करके एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया है, तो ये IIT हैदराबाद है। होप प्रो मिशन, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होप प्रो मिशन क्या है, किस प्लैनेट की स्टडी करने के लिए है, तो ये होप प्रो मिशन मार्स की स्टडी करने के लिए है, और ये होप प्रो मिशन किसने स्टार्ट किया है, तो ये UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने स्टार्ट किया है, UAE का मिशन है होप प्रो मिशन ऑन मार्स। तो ये बाकी कुछ क्वीज़ के क्वेश्चंस, इंदिरा रसोई योजना किस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, किस गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है, सुखबीर सिंह संधू, रिसेंटली ये न्यूज़ में थे क्योंकि उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, आपको बताना है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं।
ई पंचायत पुरस्कार कौन सी स्टेट को दिया गया है? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने दो ब्रिज का इनाग्रेशन किया है, देविका और पुनेजा। आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेट में है, और ये भी आप बता सकते हैं कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इंडियन नेवी ने एंटी टॉर्पीडो डिकेट सिस्टम एक लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। आपको बताना है कि इस एंटी टॉर्पीडो डिकेट सिस्टम का क्या नाम रखा है। पहले आप ये क्वेश्चन सब अपनी नोटबुक पे लिख लो, आंसर इनके लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखो। तो ये इंदिरा रसोई योजना राजस्थान की है। सुखबीर सिंह संधु नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को मिला गया। देविका और पुनेजा ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर के हैं। जो देविका ब्रिज है वो उधमपुर में बनाया गया है। तो अब आपको बताना है कि पुनेजा ब्रिज कहाँ पे है, तो ये कमेंट में बताएं। एंटी टॉर्पीडो डिकेट सिस्टम जो इंडियन नेवी ने बनाया उसका नाम है मारीच। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को दबाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।